फ्रेंड्स, राधे राधे। फ्रेंड्स, आज देखो मैं आपको अपना स्ट्रॉबेरी का प्लांट दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मेरी स्ट्रॉबेरी है। ये देखिए, ये मैं अपनी बहन से लेके आई थी और आपको मैं दिखाती हूँ। इसमें देखिए स्ट्रॉबेरी भी काफ़ी है। देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है जब हमारी स्ट्रॉबेरी आती है तो ये मिट्टी पे देखो लटक जाती है। बाहर निकले तो ठीक है गमले से बाहर, लेकिन ये फ्रूट छोटे छोटा होता है बहुत। ये फ्रूट्स पास में ही देती है, देखिए, और मिट्टी में गिर के ये ख़राब जल्दी हो जाते हैं इसके। इसके लिए मैंने देखो फ्रेंड्स क्या किया है। ये हम जब मूंगफली खाते हैं, इसके छिलके जो होते हैं, मैंने उससे इसकी मल्चिंग कर दी है, जिससे मिट्टी से फ्रूट बचा रहेगा और हमारा फ्रूट जल्दी ख़राब नहीं होगा, पकने से पहले ख़राब नहीं होगा। मैं इसको देखो, ये दिखा रही हूँ मैं आपको, ये मैं तोड़ रही हूँ। देखिए ये मेरे पूरे हो चुके हैं, ये देखिए। ये देखो मैं बाहर भी की तरफ निकाल देती हूँ, जिसकी स्टिक लंबी होती है मैं बाहर निकाल देती हूँ, और जो छोटा है उसमें मल्चिंग कर दीजिए आप जिस प्रकार से। तो एक तो क्या है, हमारा पानी भी ज़्यादा वो नहीं होगा और फिर पत्तियाँ नहीं गलती हैं। ऐसे ही मैं आपको बताऊं, जो पिटूनिया का प्लांट होता है उसमें भी फ्रेंड्स मैं यही करती हूँ, क्योंकि उसकी प्लांट जो ब्रांच जो होती हैं बहुत छोटी छोटी होती हैं और मिट्टी के पास से नई नई ब्रांच आती हैं जो गल जाती हैं मिट्टी में के संपर्क में रहकर। ये देखिए, ये मेरी स्ट्रॉबेरी आ गई है। ये देखो इसके कलर भी बहुत अच्छा आया है, और ये देखिए। और फ्रेंड्स, इसमें कुछ भी नहीं, बस वही खाद आप दें जो आप अधिकतर जाड़े के प्लांट में देती हैं। जैसे कि ये देखो मेरी नन्ही सी भी और आ रही है, ये देखिए और भी हैं इसमें काफ़ी। मैं सरसों की खली का पानी वगैरह वही देती हूँ बस। अभी मैंने इसको तेज धूप में रखना है। थैंक यू फ्रेंड, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।